अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज मैं बनाऊंगी बनाना चॉकलेट ब्रेड, जिसके लिए मैंने ये दो अदद बनाना कल छील कर फ्रीज़र में रख दिए थे और आज मैंने इसको निकाला है। ये इस तरह से ब्लैक पड़ने लग गए क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले बनाना हमें चाहिए होते हैं बनाना ब्रेड के लिए, ठीक है ना। अब मैं इसको कर लूँगी मैश, फिर इसको दूँगी रेस्ट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, क्योंकि अभी ये हैं ठंडे और हमें बेकिंग के लिए तमाम चीज़ें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेनी होती है, ठीक है। और इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, सही, 1/2 कप कोको पाउडर, 3/4 ये बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सोडा, मीठा सोडा, 3/4 शुगर, ठीक है। और ये बादाम है 1/4, 1/2 लिए। वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून, सॉरी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और ये हैं चॉकलेट चिप्स ब्लैक एंड वाइट टॉपिंग के लिए, ठीक है। मैं इसको मैश करती हूँ, फिर इसको मैं रेस्ट दूंगी 1/2 आवर। अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी। जितने सॉफ्ट बनाना आप लेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बेक होगा। कल जब रखे तो ये वाइट थे, लेकिन जो भी चीज़ फ्रीज़र में निकाल के रखी जाए बाहर, ख़ास तौर पे बनाना या एप्पल, तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं। अच्छा जी, मैंने ये मैश कर लिए हैं, अब मैं इसको रेस्ट दूंगी 1/2 घंटे के लिए, सही है। अच्छा जी, ये बनाना आ गए हैं रूम टेम्परेचर पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3/4 कप शुगर, सही। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/2 कप मिल्क, और 1 टीस्पून सिरका वेनेगर। ये इसलिए डालेंगे कि जब हम बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा ऐड करते हैं तो वो फूलने में मदद देते हैं, ठीक है ना। सिरका डालने से अच्छी तरह से जो ब्रेड है वो फूल जाएगी। अच्छा जी, रस से कर लें। इस तरह से हम कर लेंगे बीट इसको। चल जी, सही है। अब मैंने जो है 1 कप मैदा और 1/2 कप कोको पाउडर वो मिक्स करके छान लिया। मैंने आपको अच्छा जी, यहाँ पर एक हो गई है स्टोरी, वो ये कि वीडियो ही नहीं बनी, सिर्फ जहाँ तक मैंने फ्लावर और क्या कहते हैं कोको पाउडर मिक्स किया था सिर्फ वहीं तक बनी है, बाकी इसमें स्पेस नहीं था, ये रुक गया। तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि उसके बाद मैंने क्या किया।
फ्लावर और कोको पाउडर मिलाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला था, उसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि इसमें एब्जॉर्ब हो जाए इस बैटर के अंदर। इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, और ये कुछ नट्स मैंने लिए थे, बादाम है 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून है ये वाइट एंड ब्लैक चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट। इसको हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि कुछ थोड़ी सी मैंने ऊपर के लिए रख लिए हैं नट्स और चॉकलेट चिप्स, ठीक है। अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। जब इंसान इतनी मेहनत कर रहा हो, वीडियो ना बने तो कितना गुस्सा आता है। अभी तो मैं परेशानी हो गया, मैंने कहा अब क्या हो सकता है, वर्बली बताना पड़ेगा। चले जी, अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह अच्छी तरह। ठीक है जी, ये मैंने ग्रीस कर लिया था, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैंने डाल दिया, सही है। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग कर देंगे नट्स की। थोड़े से चॉकलेट चिप्स, वाइट एंड ब्राउन। ठीक है, अच्छा जी, मैंने पतीला 5 से 10 मिनट पहले ही प्री हीट पर रख दिया था, और इसके अंदर एक स्टैंड भी रख दिया था। अच्छा, अब हम इसके अंदर रख देंगे ये अपना पैन, और इसे इस तरह कपड़े से कवर करेंगे ताकि इसकी हीट ना निकले, ठीक है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, लो टू मीडियम, सही। और इसको रखेंगे 30 मिनट्स तक, उसके बाद चेक करेंगे, अगर हल्का सा कच्चा भी हुआ तो 5 मिनट्स और दे देंगे इसे, ठीक। हाँ जी, हमारी ब्रेड हो गई रेडी, अभी मैंने निकाला है इसे प्लेट में, अब इसको कटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ चली गई लाइट और मैं आ गई हूँ बाहर, तो मैंने कहा आपको दिखा भी देती हूँ। केक ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसे कर लिए स्लाइस, और ये बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही अच्छा सा केक बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हमारा साथ यहीं तक का था, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।